क्या नाम है आपका? मेरा नाम अल्फिया शेख। अल्फिया जी, क्या प्रॉब्लम है आपको? मुझे एवियन की प्रॉब्लम थी। कहाँ से आप? मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कितने समय से आप एवियन से सफ़र कर रहे थे? मुझे एवियन से 8 महीने से मैं सफ़र कर रही थी। ठीक है, तो उसके बाद में आपको हॉस्पिटल का पता कैसे चला? मैंने हैदराबाद दिखाया था एक हॉस्पिटल में, एक ऑर्थोपेडिक के पास। उन्होंने मुझे वहाँ पे, उनका पेशेंट था जो अविनाश सर का पेशेंट था, उन्होंने वहाँ, उनको पता चला मेरे बारे में उस डॉक्टर को, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहा कि कोई यूपी में डॉक्टर है अविनाश सिंह करके, वो एवियन का ट्रीटमेंट करते हैं, वो आपके जो बाल है नेचुरल तरीके से उसको फिर से करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिससे आप विदाउट ऑपरेशन इसको लाइफ टाइम कर सकते हैं, जी सकते करके। फिर मैंने फिर यूट्यूब पे सर्च किया सर को, मुझे सर्च के काफ़ी वीडियोस दिखे, बहुत अच्छे वीडियोस दिखे। एमआरआई देखा मैंने कि काफ़ी एमआरआई नॉर्मल है सर की, ये बहुत बड़ी बात थी उस समय एमआरआई नॉर्मल था और मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, तो मेरे लिए पास तो कोई, जैसा हमको पता है कि लास्ट स्टेज एवियन था आपका, बिल्कुल फोर्थ फिफ्थ स्टेज हो चुका था दोनों लेग्स में। हाँ, दोनों लेग्स में काफ़ी बेकार कंडीशन थी मेरी, एकदम सीधा ऑपरेशन ही था एक उसका। तो फिर मैंने सर को सर्च किया, मैंने सर के वीडियोस देखे, मैंने सर को कांटेक्ट किया, यहाँ के स्टाफ से मेरी बात हुई, मेरी सर से बात हुई, उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाइए एक बारी देखते हैं, तो मेरे को थोड़ा हिम्मत मिली और फिर मैंने यहाँ आने का प्लान बनाया 2020 में कुछ मैंने प्लान बनाया यहाँ आने का। ठीक है, तो भी कितने विजिट्स हो चुकी हैं आपकी? मेरी ये थर्ड विजिट है। थर्ड विजिट है, और अभी आप कैसा फील कर रहे हो? मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ, पहले से एकदम नॉर्मल। अच्छा, फर्स्ट थिंग तो मैं ही पूछना चाहूँगी आपसे कि जब आप आए थे तो उस समय क्या कंडीशन थी, उस समय क्या एक्चुअल प्रॉब्लम आपने फेस की? मैंने एक्चुअल प्रॉब्लम ये फेस की, मुझे चलना बिल्कुल नहीं आ रहा था, मेरा वॉक तो था ही नहीं, मैं बस एक सपोर्ट, मतलब मैं किसी के सहारे में कदम ही नहीं उठा पा रही थी, मेरी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, मेरा स्पाइन प्रॉब्लम हो गया था, दोनों लेग में था, मेरी नी हो चुकी थी डैमेज, मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। हाँ, मैं बहुत बुरी कंडीशन। तो उस समय लोगों ने क्या बोला आपको, जो लोग आपको देखते थे? इम्पॉसिबल था उन लोगों के लिए, वो बोल रहे थे कि शायद ही होगा, इतनी कंडीशन ख़राब है, इम्पॉसिबल है मेरा सही होना एक उस समय था। लेकिन जब यहाँ मैं आई, मैंने हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लिया, सर ने मेरा ट्रीटमेंट किया, स्टाफ ने, स्टाफ देखा मैंने कि वो कितना ये कर रहे हैं, सर कितना एफर्ट कर रहे हैं मेरे ऊपर, तो फिर मुझे बहुत हिम्मत मिली। और सर के वीडियो जो होते थे ना, तो कुछ लोग तो मेरे साथी थे यहाँ पे, मैंने खुद उनको अच्छा होता हुआ देखा है, और मैंने ये होप कभी नहीं छोड़ी कि मैं अच्छी नहीं हो सकती, मेरी होप थी तो मैं आज से ही होगी। तो अर्फिया जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कि कुछ पेशेंट्स रहते हैं जो फॉलोअप तो करते हैं डॉक्टर के साथ में, हॉस्पिटल के साथ में, लेकिन वो कुछ समय बाद फॉलोअप कहीं गायब हो जाता है, तो आपके फॉलोअप्स में ऐसा क्या था, आपने ऐसा क्या क्या चीज़ें अपने फॉलोअप में की कि आप हॉस्पिटल से हमेशा कनेक्टेड रहे और आज आप इतनी अच्छी कंडीशन में यहाँ से वापस जा रहे हो? तो जैसे नेगेटिव पीपल होते हैं जो आपको बोलते हैं कि क्या कर रही हो तू, और इतने समय से फॉलोअप कर रही है तब भी ऐसा है, क्या ऑपरेशन करवा लो, इस तरीके कुछ लोग होते हैं, तो क्या आपको भी ऐसे लोग मिले? बिल्कुल मिले, आज तक ऐसे जुड़े हुए, बट हमको सोचना है कि हमको क्या पॉजिटिविटी लेके चलनी है। बिल्कुल, अगर आप ये बात सोचते हो कि आप सही हो सकते, वो आपकी, जो आपको बोल रहा है ना नेगेटिव पर्सन, वो आपकी कंडीशन नहीं जानता, वो आपकी विल पावर नहीं जानता। सबसे पहले तो अपने आप को मजबूत बने कि हम इसका इलाज है ही नहीं, ये तो सोचो ही मत, जब सर मिले हैं ना तो ये सही होगा पर अपने समय पे होगा। मैंने उन लोगों से दूरी बना दी, मैंने सिर्फ कॉन्सेंट्रेट अपने एवियन पे और अपने ट्रीटमेंट में किया, क्योंकि मैंने पैसा लगाया, अपना टाइम लगाया, मुझे सही होना था और मैंने वही किया। और मैंने सर को कभी, मतलब सर की जो गाइडलाइन है उसको, उससे मैं बाहर नहीं हुई, स्टाफ हमेशा अवेलेबल रहा है मेरे लिए, मैंने हर चीज़ पूछी है, मैंने लाइव एक्सरसाइज से मुझे काफ़ी बेनिफिट मिला है, मेरी जो करेक्शन हुई है ना लाइव एक्सरसाइज से हुई है। तो फिर मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई नेगेटिव पर्सन के पास आप बैठे और आपका दिमाग भी नेगेटिव उसमें लाए, आप सोचे कि आपको क्या। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात होती है एक्चुअली पेशेंट्स के लिए, जो हम दूसरे पेशेंट्स तक पहुँचाना चाहते हैं, क्योंकि पेशेंट्स जो हैं वो उनका रास्ता ही भटक जाते हैं जब वो आपस में बातें करते हैं, तो ये चीज़ें आपने बहुत अच्छे से फॉलोअप की है और आज इतनी अच्छी कंडीशन है। और कुछ बोलना चाहेंगे आप पेशेंट्स के लिए? मैं पेशेंट के लिए यही बोलना चाहूँगी, मैं यहाँ पे काफ़ी लोगों से मिली हूँ, आप जो जितने लोग मेरा वीडियो अभी देख रहे हैं, जो नए हैं और वो भी जो मुझे जानते हैं, जो इस वीडियो में है वो सच में मुझे जानते हैं कि मेरी कंडीशन कितनी बेकार थी, बट मैं सबसे एक ही बोलना चाहूँगी, आप नेगेटिव लोगों से दूर हो जाइए, आपके अंदर की हिम्मत को कभी हारने मत दो,
फर्स्ट विजिट में नहीं होगा, सेकंड विजिट में नहीं होगा, थर्ड विजिट में होना ही है, इम्पॉसिबल है ही नहीं एवियन जो सर से ठीक ना हो, होना ही है। मैंने काफ़ी सफ़र किया, मैंने बहुत प्रिकॉशंस लिए, मैंने सर को डाइट फॉलो किया, मैंने एक्सरसाइज फॉलो किया, हर एक चीज़ प्रॉपरली करी, तो मैं सही हुआ आज आपके सामने हूँ, आप मुझे खुद देख रहे हैं। बिकॉज जैसे हमने आपको फर्स्ट टाइम देखा था अपने हॉस्पिटल में, लाइक रूह कांप उठने वाली सिचुएशन थी आपकी, कि आप एबल नहीं थे वॉक करने के, बैठने में भी आपको बहुत तकलीफ होती थी। सो लास्ट स्टेज एवियन का आपने कैसे अपना माइंड सेट किया दैट यू कैन रिकवर योर लाइफ लास्ट स्टेज एवियन? मुझे किसी से बात करना ही नहीं था ना, जब सर मेरी बात करने के लिए अवेलेबल है तो मैं क्यों डिस्कस करूँ कि मैं क्यों नहीं ठीक होंगी, मेरा कैसा होगा, अब क्यों करना है ये सब हमको, ये क्यों है, हमको हॉस्पिटल मिला है ना, एक चीज मिली है ना, और एक झूठ बोलेगा, दो झूठ बोलेगा, इतना सर्कल झूठ नहीं होता है, इतने वीडियो झूठे नहीं होते हैं, इतना किसी का, अगर आप सही हो, एक्चुअल में सही हो, आप समझ सकते हो, तो आप यकीन करोगे कि मैं सच में सर के ट्रीटमेंट से ठीक हुई हूँ, मैंने फॉलो किया है, मैंने नेगेटिव लोगों से दूरी बनाई है और आज तक मैं उनसे दूरी रहती हूँ, और मुझे यकीन है अब मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल और हैप्पी है। ओके, सो वन मोर क्वेश्चन कि डाइट और एक्सरसाइजेस से रिलेटेड आपने क्या एफर्ट्स की उसमें? डाइट में मैंने ये जो सर ने बोला ना डाइट, मैंने वो अच्छे से फॉलो किया। अगर मुझे उस डाइट में कभी कुछ लगता था कि किसी चीज़ को खाने से मेरे स्टमक में प्रॉब्लम हो रहा है, पेन हो रहा है, तो मैं डायरेक्ट सर को कांटेक्ट करती थी। सर एक दिन रिप्लाई नहीं करते थे, बट दूसरे दिन रिप्लाई करते थे कि ये चीज़ें ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो इसकी वजह से सर का फोकस भी मेरे ऊपर काफ़ी अच्छा रहा है, क्योंकि मैंने अपनी लाइन से मैं भटकी नहीं हूँ ना, सबसे मेन बात। और रही बात एक्सरसाइज की, सर का जो लाइव सेशन होता, मैं एक्सरसाइज में मिस्टेक करती थी तो मुझे पेन बढ़ जाता था कभी कभी। तो फिर मैंने सर की जब लाइव एक्सरसाइज सेशन शुरू हुआ तो मैं उसको अटेंड करती थी, फिर मैंने देखा कि अरे ये ऐसा नहीं करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, जब धीरे धीरे समझने लगा देन रिजल्ट आपके सामने। ओके, सो फाइनली हम आपके कुछ ब्यूटीफुल से मोमेंट्स देखना चाहेंगे। तो जैसे कि पहले कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब थी, तो हम चाहेंगे कि पेशेंट्स को भी पता चले कि क्या मूवमेंट्स में इम्प्रूवमेंट आए हैं आपकी। लास्ट स्टेज से आज आप बिल्कुल नॉर्मल वॉक कर पा रहे हो, बिल्कुल नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, तो कुछ मूवमेंट्स आप करके दिखाएं। ठीक है, पहले ये कर पाते थे आप? बिल्कुल नहीं, मेरा बैठना ऐसा होता था, पहले मुझे अच्छे से याद है, ऐसे होता था, बट नॉर्मल है। अभी कैसा लग रहा है बैठने में, उठने में कोई तकलीफ नहीं? कोई पेन नहीं है, पैर में भी सही से हो जाता है। पहले ही आपकी लेग फोल्डिंग हो पाती थी? मतलब ऐसे ऐसे करके रखना पड़ता था, ऐसे सपोर्ट लेना पड़ता था। ठीक है, ठीक है, अभी आप नॉर्मली उठिए, फिर बैठिए, फिर उठिए, बैठिए। और कौन कौन से मूवमेंट्स हैं जो आपके नहीं हो पा रहे थे? तो चलना तो ये डिस्टेंस तो था ही नहीं, पहले डिस्टेंस भी काफ़ी होने लगा, ये मुश्किल था। ठीक है, उठने में भी दिक्कत थी काफ़ी, अब पूरा झुक पा रहे हैं आप? हाँ। ठीक है, नीचे बैठ कर दिखाइए। बैठना मेरा ये कोई इम्पॉसिबल था, ये भी चीज़ें होने लगी सारी, धीरे धीरे चौकड़ी की तरफ स्टेप बढ़ने लगे ना। सही है यार, सही है, मैं ठीक हूँ, मुझे खुशी है। बिल्कुल, आपके मूवमेंट्स एकदम नॉर्मल हैं। चलिए आ जाइए एक बार स्टेज क्लाइंबिंग के लिए, चलिए आप आगे चलिए। जस्ट अ मिनट,
ठीक है, अभी कोई दिक्कत है? नहीं यार, अभी कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि अब होगी, क्योंकि इतना नेचुरल तरीके से चीज़ें हुई है ना, अब मुझे डाउट ही नहीं है कि ये दोबारा कभी खराब होगी, और मैं लाइफ टाइम प्रिकॉशन रहूँगी, और अपने हेल्थ को इम्पोर्टेंट देना कोई भी बात नहीं। बिल्कुल, मैं आपसे एक सजेशन लेना चाहती हूँ बस और पेशेंट्स के लिए, कि अगर आधा पेशेंट्स आपकी तरह फॉलो करते हैं तो बिल्कुल रिकवरी होगी। बिल्कुल रिकवरी होगी, अभी भी कुछ कोई देर नहीं।